अजमेर से अब खबर है, जिला कलेक्टर लोक बंधु निकले शहर के भ्रमण पर, एडीए और नगर निगम के आयुक्त भी साथ में मौजूद हैं। अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई भी साथ में मौजूद हैं। फॉय सागर का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं क्योंकि अजमेर में बीते दो दिनों से बारिश से हाल बेहाल हुआ है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, दूसरी ओर जो फॉय सागर जिसको लेकर जानकारी थी कि ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे, पानी जो है अब ऐसे में सड़कों तक पहुंच गया है। सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शुभम, बताया जा रहा है कलेक्टर निरीक्षण कर रहे हैं, बताइएगा ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है, कौन कौन फिलहाल मौजूद मौके पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अजमेर के अंदर जो बीते दिनों बारिश हुई थी उसने कहीं ना कहीं अपनी आफत जो है वो छोड़ दी है। हम खड़े हैं फॉय सागर झील पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो फॉय सागर झील है वो आपको नज़र आ रही होगी। उस झील पर ही जो है कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जो झील की जो पाल है उसके अंदर कहीं ना कहीं फैंद हो चुकी है, जिसके चलते जो मिट्टी के कट्टे हैं सिविल डिफेंस के द्वारा वो आपको लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जो सिविल डिफेंस की टीम है चाहे SDRF की टीम है वो लगातार पूरी रात यहाँ पर हो गई और जहाँ जहाँ पर दिक्कत हो रही है वहाँ वहाँ पर जो पत्ता जो मिट्टी के कट्टे हैं वो डाले जा रहे हैं। उसको लेकर के जो नवनियुक्त जिला कलेक्टर थे लोक बंधु वो आज शहर के निरीक्षण पर निकले। उन्होंने पहले आने वाला झील को देखा, उसके एस्केप चैनल को देखा और जो ब्रह्मपुरी नाला है वो तमाम नालों को चेक किया, किस तरीके से पानी को लेकर कंट्रोल किया जा सकता है, क्या व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में हाल जाना। उसके बाद जो जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी थे वो सभी यहाँ पर फॉय सागर झील की पाल पर पहुँचे और यहाँ पर देखने के बाद किस तरीके से काम चल रहा है और किस तरीके से बचाव कार्य जो है वो किया जा सकता है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा था। जो अभी प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ से कुछ देर पहले ही रवाना हुए हैं, लेकिन जो एडिशनल SP हैं सिटी दुर्ग सिंह और उनके साथ में तमाम पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। सिविल जो गज थाना पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात है और साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस है और SDRF की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है क्योंकि लगातार रात से यही सूचना मिली थी कि जो पाल है उसके अंदर कहीं ना कहीं फेंद हो गई थी, जिसके चलते जो पाल है उसके नीचे से पानी नीचे की तरफ से आने लगा था क्योंकि चादर जो है वो ऊपर चल रही है लेकिन पानी नीचे से आने का मतलब कहीं ना कहीं खतरा है। तो उसको लेकर के जो एहतियातन के तौर पर जो जाब्ता है उसको तैनात किया गया और सिविल डिफेंस की और SDRF की जो टुकड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर लगाया गया और रात भर से आपको नज़र आ रहा होगा जो कट्टे हैं ये मिट्टी से भरे हुए कट्टे हैं, इन कट्टों को रात में भी लगाया, दिन में भी लगाया और अब वापस एक बार फिर वो जो रेस्क्यू टाइप का है वो चालू कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो पाल है उसको बचाया जा सके। अगर पाल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो आसपास के जो गांव हैं वो उसको कहीं ना कहीं पानी के भराव के अंदर आ सकते हैं, जिसको लेकर के जो तमाम एहतियातन जो बरती जा रही है वो बरते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो राना सागर झील है उसकी भराव क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो उसका फ्लो है वो ओवर हो चुका है, जो पानी है ऊपर से निकल रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, जो पाल है उसके ऊपर से पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का जो है वो कारण हो सकता है। लेकिन उसको बचाने के लिए जो किसी भी तरीके की जो व्यवस्था है वो की जा रही है कि पाल को बचाया जा सके, पाल बची रहेगी तो झील का पानी बाहर नहीं आएगा जिसके चलते गांव के अंदर पानी नहीं भरेगा, जो जल भराव की स्थिति गांव और घरों में है कॉलोनी में हो रही आसपास की वो नहीं पैदा हो। लेकिन तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है, पहले जो कट्टे थे वो पाल के बाहर की तरफ लगाए थे लेकिन अब जो कट्टे हैं वो पाल के बाहर की तरफ अंदर की तरफ डाले जा रहे हैं झील के अंदर, ताकि वो जो पानी का प्रेशर है वो अंदर से ही कम हो जाए ताकि वो बाहर तक नहीं आए, जिसके चलते जो पाल है वो सेफ रहे और किसी भी तरीके से जो पाल है उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो ताकि जो जल भराव जैसी स्थिति है वो सामने ना आए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देर रात्रि से ही यहाँ पे जो रेस्क्यू थे वो चलाए जा रहे थे, सिविल डिफेंस की टीमें हैं और SDRF की टीमें, उन तमाम टीमों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया था और 24 घंटे निगरानी जो है वो झील पर रखी जा रही है, किसी भी तरीके से झील का जो पानी है वो अंदर ही रहे बाहर तक नहीं आए। अगर बारिश आज और होती है तो कहीं ना कहीं आफत जो है वो और बढ़ेगी और जो झील का बचाव है वो करने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो पाल है उसके अंदर जो संध हुई है उस संध को रोकने के, क्योंकि एक जगह नहीं करीब 4-5 जगहों पर दिक्कत जो है पाल के अंदर देखी गई है, जिसके चलते जो मिट्टी के कट्टे हैं वो रात को भी लगाया गया था और अब एक बार फिर वो रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रामीण जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ग्रामीणों को पाल की तरफ से और झील की तरफ से दूर रखा जा रहा है और चारों तरफ जो जाब्ता है वो झील के चारों तरफ जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कहीं से भी जो आसपास के ग्रामीण हैं उनको सबको झील से दूर किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं झील पर खतरा मंडरा रहा है, तो पाल जो है उसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन पुलिस का जो अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया और किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट जो है वो लोगों का इधर से इस तरफ से ना हो तो उसको रोकने के लिए जो जाब्ता है लाइन का जाब्ता भी बुला लिया गया और गढ़ थाना पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात है, सिविल जो डिफेंस है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, वो काम कर रही है लगातार और जो SDRF की टीम है वो भी लगातार अपने अपने प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से पाल के अंदर कोई चूक ना हो। लेकिन अगर पाल में कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं पानी का रिसाव जो है वो ज़्यादा होगा, पानी जिस तरीके से ज़्यादा बढ़ेगा तो गाँव के अंदर और जो आसपास की कॉलोनी है उधर पानी जाने का संभावना जाना है, जिसके चलते पाल को बचाने के काम यहाँ पर किया जा रहा है।
शुभम, चूंकि राजस्थान में पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश ही बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन अजमेर में बताया जा रहा था कि एक समय बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हुए। आपने तस्वीरें फॉय सागर झील से दिखाई, लेकिन चाहे बांडी नदी की बात हो या फिर बात करें आना सागर की, ये भी ओवरफ्लो हुई। ऐसे में इसको लेकर अब तक क्या रेस्क्यू किया गया, पूरे अजमेर में किस तरह से अब रेस्क्यू को गति दी गई है, क्या नजारा अजमेर में रेस्क्यू का? जी बिल्कुल, देखिए जो बारिश थी वो कहीं ना कहीं खाली फाइफा कर ही नहीं, वो अजमेर के तमाम इलाकों पे अपना असर छोड़ के गई है। जो आना सागर झील है वो खतरे के निशान से एक फुट ऊपर तक बह रहा है, जिसके चलते जो आना सागर के आसपास के जो मेन मुख्य मार्ग हैं वो पूरी तरीके से पानी से लबालब हो रखे हैं, और जिसके चलते पानी जो है उसने रास्ता कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। वही फाइफा जो आना सागर है उसके जो एस्केप चैनल हैं वो उनको खोल दिया गया था, जिसके चलते जो पानी है वो ज़्यादा ही तेज़ बहाव से जा रहा था, तो वो नालों की बदली अब रोड के ऊपर से जा रहा है, जिसके चलते जो फवारा चौराहे से बजरंगढ़ चौराहा है वो पूरा बंद कर दिया गया है। ब्रह्मपुरी नाला जो है वो पूरा बंद कर दिया गया है। नाले के आसपास जितनी भी जगह है उन सभी को एहतियातन के तौर पर उनको समझाइश की गई है कि आप ध्यान रखें, अगर किसी भी तरह की कोई चूक दिखती है तो वो तुरंत प्रशासन को जो है वो जानकारी दें। लेकिन जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। आज भी मौसम विभाग के द्वारा तेज़ बारिश की चेतावनी दी गई है, मौसम सुबह से बना हुआ है, लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक बारिश नहीं हुई। अगर बारिश आज हो जाती है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है वो फिर बजने लगेगी, चाहे वो आना सागर हो, चाहे बांडी नदी हो, चाहे फाई सागर हो, क्योंकि फाई सागर और आना सागर के बीच में जो बांडी नदी है वो दोनों को जोड़ती है। लेकिन कहा जा सकता है कि अतिक्रमणों के चलते जो बांडी नदी है वो बीच में है, विलुप्त हो गई थी, उन जगहों पर लोगों ने घर बना लेते, जिसके चलते पानी ओवरफ्लो होने लगा, तो बांडी नदी फिर एक बार अपना रूप लेती जा रही है। जो पानी जो लोगों के घरों में घुस रहा है वो कहीं ना कहीं बांडी नदी के बीच में जो घर बने हुए हैं उनके अंदर ज़्यादा पानी पहुँच रहा है। लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, 24 घंटे अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है, हर तरह से निगरानी रखी जा रही है। और जो पानी वाले क्षेत्र हैं उधर लोगों का मूवमेंट कम करा जा रहा है, जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया है, चाहे यातायात पुलिस हो, यातायात पुलिस की भी 24 घंटे अब तैनाती उन रोडों पर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो फाइव सागर झील पर मंडरा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा कि जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, जो सिविल डिफेंस के कर्मी हैं वो और SDRF के जो कर्मी हैं वो पूरी तरीके से पाल पर जुटे हुए हैं कि पाल को टूटने से बचाया जा सके, पाल में कोई दरार ऐसी नहीं आए कि बड़ा नुकसान हो जाए, या पाल के अंदर ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि पानी का बहाव बाहर की तरफ तेज़ हो जाए और जो झील का पानी का स्तर है वो कम होते चले और जो गांव हैं उन गांव में पानी भर जाए। तो उसको बचाने के प्रयास हर संभव प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, चाहे अजमेर की पुलिस हो, चाहे अजमेर का प्रशासन हो, तमाम रूप से सभी अधिकारी जो हैं वो अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत कहीं ऐसी कोई सूचना ना हो, कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए कि दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़े। वहीं अगर बात करें जो राजनेता हैं उनकी भी बात करें, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने परसों खुद ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि तमाम जगहों पर जहाँ पर जल भराव की स्थिति हुई है वहाँ पर पंप लगा करके पानी को बाहर निकाला जाए, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि पानी जल्द से जल्द दूर हो और लोगों को कहीं ना कहीं जो परेशानी हो रही है वो कम हो। उसी के बाद जो भागीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्री थे वो भी सड़कों पर उतरे थे, अनिता बदेल वो भी सड़कों पर उतरी थी, और लगातार तमाम नेता भी अपने अपने प्रयास में जुटे हुए हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का सब जो है वो अब फाइव सागर झील की पाल पर बना हुआ है, क्योंकि जो रिसाव है वो अभी भी हो रहा है, लेकिन जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, मिट्टी के कट्टे सीमेंट के कट्टे यहाँ पे लगा करके पाल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जो रात भर काम हुआ था क्योंकि अंधेरा था, जिसके चलते काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब उजाला हो चुका है, जो काम है उसको तेज गति से किया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, लगातार तस्वीरें भी रेस्क्यू से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, कोशिश यही है कि जो नदी